हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर खान माई एक्सप्रेसो का अकाउंट कैसे ओपनिंग करना है और कैसे आईडी पासवर्ड जनरेट करना रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और बहुत से लोगों का अकाउंट जो है रिजेक्ट होता आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो गाइज, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा हम जान लेते हैं कि माई एक्सप्रेसो है क्या एक्चुअल में, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी से एक वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। शेयर खान जो है यहाँ पर आप पहले से जानते ही हैं उसको, तो उसी का जो है न्यू वर्जन है एक्सप्रेसो करके, जो कि इन्होंने न्यू बनाया है। अब इसके अंदर जो है प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको अगर आप जब पेमेंट करते हैं, मतलब यानी कि जब आपका प्रॉफिट होगा तो ही आपको पेमेंट करना है फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर इंट्राडे में, जो कि हर एक सेगमेंट में होता हो सकता है, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटी एंड करेंसी। कोई भी ब्रोकरेज नहीं है अगर आपका ट्रेड जो भी आप कर रहे हैं उस पर अगर लॉस होता है तो, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, यही बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अब अगर मान लीजिए ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि 20 ट्रेड की आपने एक एवरी ट्रेडिंग डे ऑफ अ ईयर, मतलब यानी कि, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है 20 ट्रेड एक दिन में किया इंटू 250 ट्रेडिंग डेज, तो 5000 ट्रेड हुआ। और 5000 ट्रेड का 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन से 1 लाख रुपये होता है। लेकिन आपका लॉस हुआ तो ऐसे केस में आपको जो है ये ब्रोकरेज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एज्यूम करते हैं 40% आर लॉस मेकिंग ट्रेड्स, मतलब 40% तक आपका यहाँ पे जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें लॉस है, तो उसका जो है आपको 20,000 रुपीज़ का जो है ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जैसे कि दूसरे में ऐसा चीज़ नहीं होता है, लॉस हो या प्रॉफिट आपसे वो ब्रोकरेज लिया ही जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कुछ इसका जीरो अकाउंट ओपनिंग है, सारी चीज़ें फ्री है, तो कुछ भी चार्जेस नहीं है। अगर आप इसका एडिशनल जो है, मतलब हम देखने जाएँ यहाँ पर, तो प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो ऐसे केस में कुछ आपको पेमेंट करना होता है, बट हम प्रीमियम पे नहीं जाएंगे, हम जीरो अकाउंट ओपनिंग पे जाएंगे। तो आपको अकाउंट ओपनिंग करना है लिंक के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में दिया है और वेबसाइट के ऊपर, उसी के थ्रू आपको, और उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, जब कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आता है तो ही आप हमसे पेमेंट ले पाएंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा cashlessmaster.in पे। सबसे पहले वेबसाइट में, जब अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो पहले रजिस्टर कर लेना, देन ओनली आप काम कर पाएंगे। यहाँ पे जाइए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आगे जो है यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। और गाइस, रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज आप यहाँ पर आए हो कमाने के लिए, कमाने के लिए नहीं, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद सर्वे लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड सर्वे पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेलेक्ट प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे शेयर खान एक्सप्रेसो पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो कस्टमर का जो है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल के स्टार्ट रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कैप्चा एंटर करने का कहा जाता है, तो कैप्चा जो ऊपर दिखा रहा है उसको एंटर करें और स्टार्ट एंड रिज्यूम एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें, तो आपके जो भी नंबर होगा उस पर एक OTP चला जाएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। गाइस, ध्यान रखना है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर आप वेबसाइट से ही ओपन करें, बाहर कहीं से ओपन करेंगे तो आपको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। जो भी मिलने वाला है 300 to 400 रुपीज़ मिलता है और ट्रेडिंग वगैरह भी ना के बराबर है, तो आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल है सारी चीज़ें। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड पे जो फुल नेम है वो लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और सिटी लिख देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। गाइस, आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पे एंटर योर सिटी, सिटी नेम जैसे लिखेंगे, जैसे मेरा अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लिखूंगा, तो ड्रॉप डाउन में नीचे जो है कि यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, उसमें से अहमदाबाद चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है मुझे। उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल डालनी होती है, जैसे कि पैन नंबर, ईमेल, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और आई एम नॉट नोन बाय एनी अदर नेम, मतलब मैं मेरा दूसरे नाम से नहीं जाना चाहता हूँ, तो उस पर टिक करना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल देनी है। देखिए गाइस, आपको 10% to 20% यहाँ पर ट्रेडिंग देना पड़ता है, तो मेरे इस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि कस्टमर का वही बैंक अकाउंट ऐड कीजिए जिसमें UPI बना हो या फिर नेट बैंकिंग बनी हो। उसके बाद यहाँ पे जो है ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है यहाँ पे। अगर आपका FSC कोड नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके FSC कोड भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप उसका नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर डिजी लॉकर से कनेक्ट करना होता है, तो स्टार्ट पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। गाइज, एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती जो कर रहे थे जिसका रिजेक्शन था, दो ही रीज़न है, या तो लाइव फोटो वाला रिजेक्शन है और दूसरा इनकम प्रूफ का। इनकम प्रूफ का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको रियली यहाँ पर FNO यानी फ्यूचर एंड ट्रेडिंग ऑप्शन ऑन करना है या करेंसी कमोडिटी, तभी आप यहाँ पर इनकम प्रूफ दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, ठीक है। तो ये गलती करते थे लोग, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर का यहाँ पे एंटर कर देना है और पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने को कह रहा है, बट यहाँ पर जैसे आप डिजी लॉकर कनेक्ट करेंगे तो बाकी के डिटेल्स यहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन बोल रहा है, अगर किसी का IBP मतलब जो है यहाँ पर KRA वेरीफाई होगा पहले से, तो ये डिटेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली फेच करके वो नहीं मांगेगा। अब देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या अपलोड करना है। अपलोड पर क्लिक किया सबसे पहले हमने यहाँ पे, तो ये लोग एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ले जाएंगे, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक आधार नंबर डालना है अपना,
12 अंकों का। आधार नंबर डालने के बाद आधार ओटीपी आएगा, उसको डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एस्प्रेसो वेबसाइट आ जाएगा, अलाउ पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, ओके पे क्लिक कर दीजिए, सक्सेस हो गया यहाँ पे ये। उसके बाद अगला जो है आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। इनकम डिटेल्स में कुछ नहीं डालनी है, सिग्नेचर जो पैन कार्ड पे है उसका एक लिख करके कहीं पे फोटो डाल दीजिए यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए। आप चाहें तो यहाँ से लाइव फोटो भी ले सकते हैं या फिर आप अपने फोन के अंदर से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिग्नेचर मैंने कर लिया, इसको ब्लर करूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा, राइट है मेरा, तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हो सकता है आपको यहाँ पे क्रॉप करने को बोले, बट क्रॉप वगैरह नहीं करना, कंफर्म करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव सेल्फी लेना होता है कस्टमर का। जैसे अगर आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो आप अपना उस पर करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे केस में कस्टमर का साथ में एक वाइट पेपर आपको रखना है और आज की तारीख उस पेपर पे कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है। मैं आपको एक लाइव फोटो दिखाऊंगा, अलाउ पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे गाइस। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने एक फोटो लिया, तो ये फोटो बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे इन्होंने कहा है वैसे उस हिसाब से हमने नहीं लिया है, तो इसका मतलब वो चीज़ गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक कागज लेंगे और कागज में मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ अभी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3/2022 है आज का तारीख, 1 मार्च है, तो मैंने ये इस फॉर्मेट में लिख दिया और कस्टमर को इसको आपको होल्ड करा देना है ऐसे करके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा क्या है, तो मैंने आपको डेमो पर्पज के लिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया और तभी बताया मैंने, ताकि आपको रिजेक्शन ना आए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिव्यू ऑब्जेक्टेड करके वेबसाइट में देखने को मिला है वो इसकी वजह से ही मिला है, DDMMYY के तौर पे। तो इसको जो है हमें यहाँ पे लिखना है प्लेन पेपर पे, वाइट पेपर पे, जिसमें क्लियरली दिखे हमें। मैं जैसे कि आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ अभी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से होल्ड किया है, 1/3/2022 लिखा हुआ है इसमें दिख रहा है और मेरा फेस दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो इस तरीके से आपको होल्ड कराना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है गाइज यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू लिखा है, तो उस पर क्लिक करेंगे आप और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे गाइज। और कुछ भी यहाँ पर जैसे कि देखिए इनकम प्रूफ में नथिंग अटैच, यहाँ पे कुछ अटैच नहीं करना है, कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है गाइज, नहीं तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपका जेंडर, तो मेल है या फिर फीमेल है वो दिखाना रहेगा यहाँ पे। जैसे कि मेल पे क्लिक कर देंगे, और फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो मैरिटल स्टेटस में अगर सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है या फिर विडोड है तो वो बता देना है। सिंगल पे अभी मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तो मैंने 5 से 10 साल दिया है क्योंकि मेरा उतना है एक्सपीरियंस। और उसके बाद अदर्स पे हमें क्लिक करना रहेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेगा कंपनी का क्या हो आप या फिर बिजनेस है, जो भी चीज़ें डिटेल्स है उसमें आपका क्या डेजिग्नेशन है वो बताना है, जैसे बिजनेस ओनर है या फिर कुछ भी, तो मैंने डायरेक्टर लिखा। इनकम डिटेल्स में मुझे यहाँ पे एंटर करना रहेगा, 5 से 10 लाख मेरी इनकम बताई हुई है, फिर अप टू 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसा बताना है, उसमें करना नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम बता देना है, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम में आपके सामने इतने सारे आ जाएंगे ऑप्शन, जैसे कि रेंटल इनकम, लॉयल्टी, सैलरी, प्राइज मनी, अदर्स, गिफ्ट, बिजनेस इनकम, तो मेरा बिजनेस इनकम से मेरी जो है यहाँ पे अर्निंग होती है तो वो बताऊँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद अगला जो है मुझे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे मेरा अहमदाबाद है तो वो लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक नहीं करना है, अदर डिटेल्स में नॉमिनी नेम पूछा जाएगा, वो सब ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें अभी के लिए, तो हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। नॉमिनी डिटेल्स के लिए नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा, प्लीज वेट व्हाइल वी आर प्रोसेसिंग दिस टेक्स अराउंड अ मिनट, 1 मिनट का समय लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना टाइम नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, सबमेरी आपके सामने हेलो शुभम कुमार लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसको आई हेयर बाय कन्फर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कराना होगा, तो काइंडली वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपका आगे ये ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका ईमेल आईडी जैसे ही वेरीफाई होता है उसके बाद वेरीफाइड लिख देगा, एक ओटीपी जाता है ईमेल पे, वो ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने एक लास्ट स्टेप रहेगा यहाँ पे ई साइन करने के लिए, जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये भी 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेता है गाइस यहाँ पे। इस पीडीएफ बन चुका है, प्रोसीड विद ई साइन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद कंफर्म करेंगे यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए, तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे बोलेगा आई एग्री, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ले जा रहा है, यानी कि NSDL के वेबसाइट पे ले जाएगा, तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपको। उसके बाद जैसे दूसरे सभी प्रोजेक्ट में आपको लास्ट में आता है ना NSDL का, उसी तरीके से इसमें भी होगा, आई हेयर बाय ऑथराइज, फिर उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी आधार नंबर जो भी रजिस्टर्ड है उसका चला जाएगा। उसके बाद जो है ओटीपी 6 अंकों का, उसको डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे आप लोग गाइस। ओटीपी वेरीफाइड लिख के आ गया, आगे बढ़ जाएंगे आप, आपके सामने कुछ ऐसा प्रोसेस आ जाएगा। ऊपर सबसे पहले आपका नाम लिखा होगा यहाँ पे, जो मैंने हाइड किया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे। उसके बाद ऑल सेट लिख के आ जाएगा, यू आर रेडी टू ट्रेड लिखा हुआ आ रहा है, एंड देन उसके बाद ये आधे घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है और कुछ ऐसा ईमेल आता है आपके सामने, मैं बता देता हूँ अभी के लिए। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको गाइज, और उसके बाद जो है वेबसाइट में क्या अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है मेरा 1 मार्च को शुरू हुआ था यहाँ पे 11:20 पे, और यहाँ पे 12:29 तक मेरा अकाउंट डन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेल आता है आपके सामने कुछ ऐसा,
कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आगे यहाँ पे क्लाइंट कोड में हाइड करूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ से पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे पासवर्ड आईडी बनाना है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो अभी के लिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑब्जेक्शन जो आता है वो किस तरीके का आता है वो मैं आपको आगे यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आपका अकाउंट रिजेक्ट होता है तो कुछ ऐसा ईमेल आता है आपके सामने, रिजॉल्व ऑब्जेक्शंस माय एक्सप्रेसो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, इसमें कुछ ये लोगों ने क्वेरी दी है, ऑब्जेक्शन लिंक पर क्लिक कीजिए एंड उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि मेरा था, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइव फोटो में वाकई ये लोग रिजेक्ट करते हैं या नहीं करते। मोस्ट ऑफ जितने भी अकाउंट खुले हैं सभी में लाइव फोटो का रिजेक्शन आया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि जो पेपर पे डेट लिख करके एंड उसके बाद बनाना है। बट आप सभी को अब मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो अब आपका अकाउंट रिजेक्ट नहीं होगा। सारी चीज़ें क्लियर फोटो लीजिए, व्हाइट पेपर अपने साथ रखिए, आज का डेट एक बार लिख लीजिए और उसी पेपर को आप सभी कस्टमर के पास कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये भी बताते हुए जाता हूँ कि आपको अकाउंट ओपनिंग का कितना मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग का रेट चेंज होता रहता है, 300 से 400 या फिर 500 तक भी हो सकता है। और ट्रेडिंग जो KPI है 10 से 15% का है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 अकाउंट खोलोगे तो उसमें से दो अकाउंट में आपको ट्रेडिंग देनी होगी। ट्रेडिंग अमाउंट जो है वो हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।